हाय एवरीवन, दिस इज वैष्णवी बोरा, योर फिटनेस कोच। जैसे कि हमने पार्ट वन किया था नी फ्रेंडली लो इम्पैक्ट बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, आज हम करने जा रहे पार्ट टू, नी फ्रेंडली लो इम्पैक्ट बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। पार्ट वन में हमने 7 एक्सरसाइज परफॉर्म की थी और हर एक्सरसाइज हमने 20 सेकेंड के लिए परफॉर्म की थी। सो सेम वे पार्ट टू में भी हम 7 एक्सरसाइज करेंगे, हर एक्सरसाइज को आपने 20 सेकेंड के लिए परफॉर्म करनी है। पर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। सो हमने पार्ट वन में जो वार्म अप परफॉर्म किया था वही सेम वार्म अप हम पार्ट टू में भी करेंगे। सो वार्म अप करके हम अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पीडी इन एंड आउट। उसको परफॉर्म करने के लिए आपने थोड़ा सा लेग्स आपके शोल्डर विड्थ होने चाहिए और हाफ स्क्वाट पोजिशन में जाना है, दिस वे एंड आउट इन आउट इन आउट इन। ऐसे हमने 20 सेकेंड के लिए परफॉर्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। Second exercise is side step punches and I'll show you how to perform it. So, इसको आपने same 20 second के लिए perform करना है। तो चलिए शुरू करते हैं exercise. Now the third exercise we are going to perform is stars. So I'll show you how to perform it. You have to go in a squat position. Squat, open up. Squat, open up. Squat, open up. So half squat mein jana hai, na ki full squats. No. So half squats, star. Half squats, star. Let's do it for 20 seconds. After every exercise, you must take 20 second break and stay hydrated. So, बीच-बीच में आप सिप-सिप करके पानी पी सकते हैं। The fourth exercise we are going to perform is Russian twist. It's very simple exercise and I'll show you how to perform it. Now the fifth exercise we are going to perform is up down flutters and I'll show you how to perform it. उसमें कुछ techniques हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। So सबसे पहले mat पे आपने लेट जाना है। Your hand should be under your butts. आपके hands यहाँ आएंगे। Neck को हल्का सा उठा के करेंगे। Knees slightly bend होंगे और आपने slowly ऊपर आना है फ्लटर्स करते हुए, देन फ्लटर्स करते हुए अपने नीचे जाना है सेम 20 सेकेंड के लिए। नाउ द सिक्स्थ एक्सरसाइज इज होलो क्रंच। सो आई विल शो यू हाउ टू परफॉर्म इट। ओके, सो आपने इस पोजीशन में बैठना है, थोड़ा सा डाउन जाओगे आप, नेक आपका ऊपर रहेगा, हैंड्स आपके स्ट्रेट एंड वन लेग स्ट्रेट, टू लेग स्ट्रेट एंड आपके अपने कोर को प्रॉपर एंगेज करके रखना है, थ्री और सेम हम 20 सेकेंड के लिए परफॉर्म करेंगे। So the last exercise is up down plank and I'll show you how to perform it. So सबसे पहले आपने
प्लैंक पोजीशन में जाना है, ऐसे आपके बर्ड्स ऊपर नहीं रहेंगे, ऐसे इस पोजीशन में जाना है, एंड अप डाउन, ऐसे सेम अपने 20 सेकेंड के लिए परफॉर्म करना है। सो डन विथ 7 एक्सरसाइज। पार्ट टू में भी 7 एक्सरसाइज हमने परफॉर्म किए। हर एक्सरसाइज 20 सेकेंड के लिए परफॉर्म करनी है, बहुत ईजी है और आप घर में कभी भी किसी भी टाइम आप परफॉर्म कर सकते हो। सो मैंने आपको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों शेयर किए आप लोगों के साथ। सो आप अल्टरनेट डेज पे एक दिन पार्ट वन एक दिन पार्ट टू आप परफॉर्म कर सकते हैं, पर मैं पार्ट थ्री भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट सबसे ज़रूरी जो बात है वो है आपका न्यूट्रिशन प्लान, आपकी डाइट, आप क्या खाते हो पूरे दिन में, कितने कैलोरीज इनटेक करते हो, वो सबसे ज़रूरी है। अगर आपका गोल फैट लॉस है, बॉडी टोनिंग है, या आपको प्रॉपर एक प्रोपोर्शनेट फिजिक चाहिए, उसके लिए वर्कआउट प्लस डाइट दोनों बहुत ज़रूरी है। एंड आई विल बी शेयरिंग फुल डे फैट लॉस मील प्लान विथ यू गाइस सुपर सून। So stay tuned here and do not forget to like and subscribe my YouTube channel for more such videos.